वेलकम टू आर के बायोग्राफी। मिल्खा सिंह इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड और पॉपुलर इंडियन ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे, जिन्हें हम लोग द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते थे। मिल्खा सर एक लौते एथलीट थे जिन्होंने एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर की रेस में गोल्ड जीता था। इसके अलावा उनकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के लिए उन्हें इंडिया फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन के रूप में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जो कि अब हमारे साथ नहीं रहे क्योंकि 18 जून 2021 को कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी डेथ हो गई है, जो कि एक बहुत ही सैड न्यूज़ है क्योंकि वो हम सबके लिए ही एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे। तो इस वीडियो के जरिए हम उनको ट्रिब्यूट देते हैं और जानते हैं उनके और उनकी लाइफ के बारे में कुछ किस्से और कुछ फैक्ट्स। नंबर वन, मिल्खा सर का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा विलेज में एक सिख फैमिली में हुआ था। नंबर टू, उनकी फैमिली में उनके अलावा 14 और भाई बहन थे, जिनमें से 8 की डेथ पार्टीशन ऑफ इंडिया से पहले ही हो गई थी। नंबर थ्री, इंडिया पार्टीशन के वक्त मिल्खा सर अनाथ हो गए थे क्योंकि उनके मोम डैड, एक भाई और 2 बहनों को मुस्लिम मॉब्स ने मार डाला था और मिल्खा सर ने इन डेथ्स को अपनी आंखों से देखा था, जिसके बाद वो वहां से भाग के दिल्ली आ गए थे। नंबर फोर, बचपन में इतने हैरोइंग और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें समझ में आ गया था कि जिसके पास पावर है वही सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, इसलिए मिल्खा सर का मन भी एक डकैत बनने का था, लेकिन उनके भाई ने उन्हें बहुत समझाया तो उन्होंने कुछ अच्छा करने का सोचा। नंबर फाइव, मिल्खा सर ने इसके बाद एज अ टेक्निकल जवान आर्मी ज्वाइन की, जिसमें उनकी फर्स्ट सैलरी थी 39 रुपीस। नंबर सिक्स, मिल्खा सर को एक बार ट्रेन में विदाउट टिकट ट्रैवलिंग करने की वजह से तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था, जहां से बेल दिलाने के लिए उनकी सिस्टर ने अपनी ज्वेलरी बेच दी और उन्हें बेल दिलाई। नंबर सेवन, मिल्खा सर को पहली बार रनिंग से इंट्रोडक्शन सिकंदराबाद में हुआ, जहां उन्होंने बताया कि आर्मी ने उन्हें रनिंग से इंट्रोड्यूस कराया। नंबर एट, 1980 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सर ने 45.73 सेकेंड्स में 400 मीटर की रेस में दौड़ के फोर्थ प्लेस हासिल करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, जो कि ऑलमोस्ट 40 साल तक कायम रहा और किसी ने नहीं तोड़ा। नंबर नाइन, पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने एशियन गेम्स में मिल्खा सर की परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया का टाइटल दिया, जिस नाम से मिल्खा सर आज तक भी पहचाने जाते हैं। नंबर टेन, मिल्खा सर ने बताया कि उन्होंने 1968 से मूवीज़ देखना छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने कोई मूवी नहीं देखी, लेकिन जब मिल्खा सर की बायोपिक बनी तो उन्होंने वो बहुत ही खुशी से देखी, जिसमें फरहान अख्तर की एक्टिंग और मूवी देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू थे। नंबर 11, मिल्खा सर 1960 की फाइनल ओलंपिक रेस में ब्रोंज मेडल जीतने से सिर्फ 0.1 सेकंड लेट हो गए थे। नंबर 12, मिल्खा सर को 1960 के रोम ओलंपिक्स में बहुत अटेंशन मिली थी क्योंकि उससे पहले रोमन्स ने कोई भी बड़े बाल और दाढ़ी वाला ऐसा एथलीट नहीं देखा था और इसीलिए कुछ लोगों ने उनके लुक्स का मजाक भी उड़ाया, लेकिन मिल्खा सर ने उन सब पे ना ध्यान देते हुए सिर्फ अपने स्पोर्ट पे ध्यान दिया। नंबर 13, मिल्खा सर ने निर्मल कौर से 1962 में शादी की, जो कि इंडियन वुमेन्स वॉलीबॉल टीम की कैप्टन थी। नंबर 14, एक बार जब मिल्खा सर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए तो जवाहरलाल नेहरू ने उनका काम प्रेस करते हुए उनको बहुत बधाइयाँ दी और कहा कि तुमने इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है, अगर तुम्हारी कुछ इच्छा हो तो बताना, जिस पे मिल्खा सर ने जवाब दिया कि सर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कंट्री को इतना प्राउड फील कराया है और आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मेरे नाम पे बस वन डे गवर्नमेंट हॉलीडे अनाउंस कर दीजिए। और अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए नेहरू जी ने एक दिन की हॉलीडे डिक्लेयर कर दी। नंबर 15, मिल्खा सर ने अपने सारे मेडल्स और अवार्ड्स कंट्री को ही डोनेट कर दिए हैं, जो कि पटियाला के एक स्पोर्ट म्यूजियम में उनकी एक निशानी के रूप में स्टोर्ड हैं। नंबर 16, 1999 में मिल्खा सर ने शहीद बिक्रम सिंह के 7 साल के बेटे को अडॉप्ट किया था, जो कि कारगिल वॉर के लिए लड़े थे। नंबर 17, मिल्खा सर ने 2001 में गवर्नमेंट के अर्जुना अवार्ड को ये कहते हुए लेने से मना कर दिया था कि इट केम 40 ईयर्स लेट। नंबर 18, मिल्खा सिंह को अपनी रिटायरमेंट के बाद एज अ डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन पंजाब अपॉइंट किया गया। नंबर 19, 2013 में मिल्खा सर और उनकी डॉटर ने को राइट करके अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम था द रेस ऑफ माई लाइफ। नंबर 20,
मिल्खा सर की तरह उनका बेटा जीव मिल्खा सिंह भी बहुत ही मेहनती है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन गोल्फर है। नंबर 21, मिल्खा सर ने अपनी बायोग्राफी की राइट्स डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा को बेचे, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 1 रुपी फी चार्ज की। इसके बाद राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने 2013 में मूवी भाग मिल्खा भाग डायरेक्ट और प्रोड्यूस की, जिसमें फरहान अख्तर और सोनम कपूर लीड रोल्स में दिखाई दिए, और फरहान अख्तर और सोनम कपूर ने भी अपने अपने रोल के लिए सिर्फ 11 रुपये फीस चार्ज की। नंबर 22, एक बार जब मिल्खा सर से उनकी विश के बारे में पूछा गया तो मिल्खा सर ने कहा, मेरी एक ही विश है कि मैं एक इंडियन आदमी या औरत को एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतते हुए देखना चाहता हूँ। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।